मुजव्वज़ा वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत सात अरकान पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा सियासी जमातों के हवाले कर दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपीलें वफाकी अदालत में होंगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का तकरर 8 रुकनी पार्लियामानी कमेटी के जरिए किया जाएगा। चीफ जस्टिस का तकरर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आईनी तरमीम में ये कैसी जल्दी है, अब तो 1.5 महीना गुजर गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि बशीर बूटे को अदालत ने ज्यादा वक्त दिया या सियासी तमाशों को वक्त ज्यादा मिला। माजी जजेस की तैनाती गवर्नर जनरल, सदर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर करते रहे। अमेरिका में जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास है। अमेरिका में पार्लियामेंट जजेस का इंटरव्यू ही करती है। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 56 नुकाती मुसवदे पर मुशावरत। मुख्तलिफ जमातों के मुसवदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील। आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में ज़ेली कमेटी का इजलास कल होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी का इजलास पीर को दोबारा तलब कर लिया गया। सैनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि सारी जमातों के मुसवदों में कोई असूली इख्तलाफ नहीं। ज़ेली कमेटी 2 दिनों में सिफारिशात खसूसी कमेटी को देगी। बैरिस्टर गोहर बोले कि JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई है, गौर करेंगे। JUI ने आईनी तरमीम के लिए अपना मुसवदा कमेटी में पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं कि 24 निकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 निकाती मुसवदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर एतराज नहीं, उम्मीद है जल्द मुश्तरका ड्राफ्ट पर इतफाक कर लिया जाएगा। शेरी रहमान बोली कि आईनी तरमीम अदालत पर हमला नहीं है। जजेस की तैनाती पर मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। कहीं ऐसा नहीं कि सीनियॉरिटी की बुनियादों पर जजेस तैनात हों। सीनियॉरिटी की बुनियादों पर तैनातियों से डैम फर्जी बने हैं। आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कायद आज़म की तजवीज़ तकरीबन PPP की पेशकर्दा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। बिलावल का PTI को होश के नाखुन लेने का भी मशवरा, कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज से गुरेज करें, मुल्क को नुकसान पहुँचा तो फिर PTI को भी नुकसान होगा। मौलाना फजलुर रहमान भी एहतजाज पर PTI के मुखालिफ, कहते हैं कि SCO के दौरान मुजाहरे करना अच्छी बात नहीं होगी। गैर मुल्की सरबराहान मौजूद हों तो कौमी यकजहती का इजहार करना चाहिए। इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन CD और वजारत खारजा के हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने शंघाई तावन तंजीम इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानब SCO इजलास के लिए इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। शाहराहों की खूबसूरती से सजावट, रंगारंग रोशनियों ने शहर का हुस्न दुबाला कर दिया। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों पर चिराग़ां। PTI का 15 अक्टूबर को टी चौक पर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI और पाकिस्तान का तनाजा है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। PTI दुश्मन के एजेंडे पर गामजन है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। ये पार्टी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ डट कर खड़ी है। ये SCO इजलास के मौका पर इस्लामाबाद पर गिलगार करना चाहते हैं। पंजाब के अवाम ने एहतजाज और फरा तफरी की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब हुकूमत सूबे में अमन अमान के लिए पराजम। 5 अजला में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। डेरा गाजी खान, नैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अदू शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के सियासी इज्तमा, धरने, जलसे,
एहतजाज पर पाबंदी होगी। इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वजीर आला के पी तलबी के बावजूद आज भी इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत का पुलिस को 23 अक्टूबर तक अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब डी चौक में एहतजाज का केस, अलीमा खान और उजमा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अलीमा खान और उजमा खान की जमानत की दरख्वास्त भी दायर, अदालत ने 19 अक्टूबर को इस्तगासा से रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला ने लाहौर में इंडस अस्पताल के नए इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज शरीफ का अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा, ज़ेरे इलाज बच्चों की आयादत की, इजहारे शफकत और सेहतयाबी की दुआ। खातून की शिकायत पर वज़ीर-ए-आला ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर दिया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहती है कि पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं, गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। कराची के जिला मलीर में इंतजामे की मुबैना गफलत और नाहली, इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम, शहरी मसायल से दोचार। मलीर की अहम सड़कें और पुल तबाहाल। मानसहरा कॉलोनी में सीवरेज का निजाम खराब, मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। फुटबॉल ग्राउंड गंदे पानी और कचरे से भर गया। तकरीबन 2 साल से 2.5 साल से ये मसला चल रहा है और हमें ये बता रहा है कि भाई 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मैं इस ग्राउंड में नहीं खेल के बड़ा हुआ और ना ही मुझे ये उम्मीद है कि मेरे बेटे यहाँ खेल के बड़े होंगे।